केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय कटक जिला सालेपुर निर्वाचन मंडली गस्त करछन्ति। एहि परिप्रेक्षीरे सालेपुर मधु स्मृति मंडप ठारे दलीय कर्मकर्ता विधानसभा स्तरीय कोर कमिटी और संचालन कमिटी बैठक अनुषित हो जाएछि। एहि परिप्रेक्षीरे दलीय कर्मी माने केन्द्र मंत्री को स्वागत संबर्धना जनाइथिले। पूर्वतन विधायक तथा कटक जिला बीजेपी सभापति प्रकाश चंद्र बेहरा सभापतित्व में मुख्य अतिथि भाव केन्द्रमंत्री नित्यानंद राय, राज्य बीजेपी संपादक लेखाश्री सामन सिंघार, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य विनोद दास, विष्णु दास प्रमुख जोग देते। केन्द्रमंत्री जोग दे आगामी साधारण निर्वाचन को नहीं दलय कर्मकर्ता निर्वाचन में किभली दल सफल लाभ करने आलोचना करते। केन्द्र सरकार गरीब कल्याण योजना को ओडिशा सरकार निज नाम बाहा ने ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାମାନେ ବୁଝିଲେଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୌପଟ ହୋ ଗଈ ହୈ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଁ ପର ମୁକଦମେ ହୋ ରହେ ହୈ, ଉନକୋ ତଙ୍ଗ କିଆ ଜା ରହା ହୈ ଔର ଏଫଆଇଆର ତକ ଭି ଲେନେ କେ ଲିଏ सरकार थाने को मना कर दी है, थाना एफआईआर तक नहीं लेता है। यहाँ बिल्कुल राज में अराजकता की स्थिति है, लेकिन उड़ीसा के लोग यह मन बना चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे और बीजेपी को यहां से सफाया करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल सभी सीटों पर खिलेगा। आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण विपरीत है, कथा समस्त जानते राज्य सरकार कुंभकर्ण निर्जारस होती जितेबाद किए विरोध करुच्ची भारतीय जनता पार्टी जिते विरोध करते आमर कर्मकर्ता मानक नहीं कि जबरदस्ती जेल्रे पुरौंट अत अकथ नहीं अत्याचार करराण हरकत कर बाबद भारतीय जनता पार्टी नीति स्पष्ट जे आम लोकों पर लड़बू। आज थाना एफआईआर डीजी विरुद्ध में कमिशनर विरुद्ध में पुलिस कमिशनर और डीसीपी भुवनेश्वर विरुद्ध में कर आसंता का एसपी अफिस धारणा दिजा अभोग पत्र दिजापर पर कार्यक्रम रही भाव में विजु जनता दल गुंडागिरी करुच्छी जो भाव में अकथनीय अत्याचार कर पुलिस को लेकिन जो करुच्ची तार प्रतिवाद में आम विभिन्न ब्लॉक हेडक्वार्टर में तार प्रतिवाद कर भारतीय जनता। सालेपुर रश्मिरेखा परिजा रिपोर्ट प्रतिज्ञा टीवी।